आइए अब एक और लखनऊ के यानी काकोरी के कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे और काकोरी कांड भी आपने सुना होगा, जो यानी कांड कांड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तारीख में दर्ज है, ये तारीख का लफ्ज है कि काकोरी का वाकया आप जानते हैं और हमारी हुकूमत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है जिसमें काकोरी का जो वाकया है आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की गई थी उसी दयार से हम एक शायर को आवाज दे रहे हैं। जनाब मखमूर काकोरी साहब से इल्तिमास है कि वो आए, मैं इस शेर के साथ उनको आवाज दे रहा हूँ। बहुत ही पुख्ता और मोतबर शायर है कि कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो। आइए जनाब मखमूर काकोरी साहब, तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। हजरात गिरामी, नाज़िम मुशायरा ने काकोरी की दो चीज़ों को तो गिनवा दिया, लेकिन जो बड़ी अदबी शख्सियत वहाँ की थी मोहसिन काकोरवी, जिनको हर शायर वो हर तालिब इल्म ने पढ़ा होगा, उनका नाम लेने से ठीक है। शुक्रिया आपका इसके लिए। ये आज का मुशायरा डॉक्टर शीमा रिजवी की याद में हो रहा है, चूँकि वो मेरी एकेडमी की चेयरमैन भी रहीं, मैं उनके मातहत काम कर चुका हूँ और प्रोफेसर आसफा जमानी साहिबा हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, ये भी चेयरपर्सन रहीं। एक बात और अर्ज कर दूँ कि शीमा रिजवी मेरी क्लास फेलो भी थी, हम लोगों ने एमए एक साथ ही किया था 1987 में। अब सदर मोहतरमा की इजाज़त से दो कतात में डॉक्टर शीमा रिजवी के नाम उनको खराज अकीदत के तौर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमा लें कि बर लबे खास व आम आएगा, बर लबे खास व आम आएगा और बसद एहतराम आएगा, बर लबे खास व आम आएगा और बसद एहतराम आएगा, तज़किरा जब भी होगा उर्दू का, तज़किरा जब भी होगा उर्दू का, शीमा रिजवी का नाम आएगा। बर लबे खास व आम आएगा और बसद एहतराम आएगा, तज़किरा जब भी होगा उर्दू का, शीमा रिजवी का नाम आएगा। और इस सिलसिले का एक कता और कि मौत बरहक थी मगर इसका रहेगा अफसोस, मौत बरहक थी मगर इसका रहेगा अफसोस, जल्द दुनिया से सफ़र कर गई शीमा रिजवी, मौत बरहक है मगर इसका रहेगा अफसोस, जल्द दुनिया से सफ़र कर गई शीमा रिजवी, उनके अफकार व ख़यालात हैं ज़िंदा अब तक, उनके अफकार व ख़यालात हैं ज़िंदा अब तक, दोस्तों कैसे कहूँ मर गई शीमा रिजवी, दोस्तों कैसे कहूँ मर गई शीमा रिजवी। और एक कथा में बिल्कुल नए किस्म का पेश कर रहा हूँ, शायद ही आप हजरात ने इस तरह का कोई ख्याल सुना हो, बल्कि एक समाजी हमारा मसला है उस पर मैंने चार मिसरे कहे हैं कि समाज उनको हकारत की नज़र से देखता क्यों है, समाज उनको हकारत की नज़र से देखता क्यों है, गरीबी में भी जो दो चार बच्चे पाल कर खुश हैं, समाज उनको हकारत की नज़र से देखता क्यों है, गरीबी में भी जो दो चार बच्चे पाल कर खुश हैं, मगर ऐसे अमीरों को ज़माना कुछ नहीं कहता, मगर ऐसे अमीरों को ज़माना कुछ नहीं कहता, जो बच्चों की जगह आंगन में कुत्ते पाल कर खुश हैं, मगर ऐसे अमीरों को ज़माना कुछ नहीं कहता, जो बच्चों की जगह आंगन में कुत्ते पाल कर खुश हैं। गज़ल का मतला हाजिर है, मुलाजा फरमा लें कि तेरे ख्याल की खुशबू से घर महकने लगे, तेरे ख्याल की खुशबू से घर महकने लगे, और तू हम सफ़र हो तो राह सफ़र महकने लगे, तू हम सफ़र हो तो राह सफ़र महकने लगे, लिखे जो शेर तेरी मदह में कभी मैंने, लिखे जो शेर तेरी मदह में कभी मैंने, तमाम लफ्ज़ों के ज़ेरो ज़बर महकने लगे, तमाम लफ्ज़ों के ज़ेरो ज़बर महकने लगे, और तेरा वजूद चमन में बहार जैसा है, तेरा वजूद चमन में बहार जैसा है, तेरे क़याम से दीवारों दर महकने लगे, तेरे क़याम से दीवारों दर न महकने लगें। और ये शेर भी बतौर ख़ास के बनाएं, आप न माहौल शहर का ऐसा,
बनाए आप न माहौल शहर का ऐसा, बजाए खैर फजाओं में शर्म हकने लगे। बनाए आप न माहौल शहर का ऐसा, बजाए खैर फजाओं में शर्म हकने लगे। और कोई उम्मीद न थी मेरी जान बचने की, कोई उम्मीद न थी मेरी जान बचने की, मैं बच गया तो लबे चारा गर्म हकने लगे। मैं बच गया तो लबे चारा गर्म हकने लगे। और जो झुक गए न रहा उनका नाम तक बाकी, जो झुक गए न रहा उनका नाम तक बाकी, जो कट गए रहे हक में वो शर्म हकने लगे। जो कट गए रहे हक में वो शर्म हकने लगे। और ये शेर भी की दुआ करो कि न दुश्मन से हों कभी पसपा, दुआ करो कि न दुश्मन से हों कभी पसपा, हमारे खेमों में फतहो ज़फ़र महकने लगे, हमारे खेमों में फतहो ज़फ़र महकने लगे। और मक्ता भी हाजिर है कि किसी की याद ने खुशबू बिखेर दी मखमूर, किसी की याद ने खुशबू बिखेर दी मखमूर, गमे फिराक में ज़ख्मे जिगर महकने लगे। तेरे ख्याल की खुशबू से घर महकने लगे, तू हम सफ़र हो तो राहे सफ़र महकने लगे। बहुत शुक्रिया।